तो फाइनली अक्षय कुमार की उस मूवी का ट्रेलर आ गया जिसकी बातें कई सालों से की जा रही थी। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि बॉलीवुड में कुछ नया और कमाल का होने वाला है। कुछ कैरेक्टर मुझे इसमें पर्सनली अच्छे लगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको इस मूवी में देखकर मजा आ जाएगा। जिनमें से अगर किसी का नाम लेना हो तो संजू बाबा को इस ट्रेलर में देखकर मुझे पर्सनली बड़ा मजा आया। अगर डायलॉग की बात की जाए तो हाँ, सच में डायलॉग पर अच्छा काम किया गया है, मगर इसमें कुछ ऐसी बातें भी है जिसकी वजह से पूरी मूवी को बड़ा झटका लग सकता है। जैसे कि एक राजकुमारी जिसका अहम किरदार होने वाला है, उस कैरेक्टर के लिए एक नए चेहरे को लेना, मतलब कि यार ये बहुत अहम किरदार है। और अगर यहाँ पे मानुषी उस कैरेक्टर में एक्टिंग नहीं कर पाई तो मूवी फीकी पड़ सकती है। यहाँ पे एक और चीज मुझे थोड़ी खतरा लगी, वो है अक्षय कुमार। देखो, अक्षय कुमार वो एक्टर है जो किसी भी रोल को बड़े ही अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, और मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन पृथ्वीराज एक ऐसे योद्धा थे जिनकी अगर कहानी अभी सुन ली जाए तो नसों में आग लग जाती थी। लेकिन मुझे पर्सनली ट्रेलर में अक्षय को देखकर ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। और अगर पब्लिक को कैरेक्टर में दम ना लगे तो वो क्या करती है बताने की जरूरत नहीं है। और अगर उस कैरेक्टर ने रोल अच्छे से निभाया तो खिलजी जैसा नेगेटिव कैरेक्टर भी अच्छा लगने लगता है। एक और चीज मुझे लगी, वो अक्षय की उम्र। पृथ्वीराज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई यंग चेहरा होना चाहिए था, क्योंकि इसमें एक लव स्टोरी, एक राजकुमार का राजा बनना और फिर लड़ाई दिखाई जाएगी। इसलिए अगर ये फिल्म अक्षय को कुछ सालों पहले दी गई होती तो देखने का मजा ही आ जाता। वैसे अक्षय कुछ भी कर सकते हैं, और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, मूवी में हो सकता है कि अक्षय अपना कमाल दिखाई दे। वैसे सोनू सूद भी चंद के किरदार में अच्छा करते नजर आ रहे हैं। ये डायलॉग मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। लेकिन इसे और अच्छे से निभाया जा सकता था, डायलॉग को नहीं किरदार को, पृथ्वीराज के। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी राय कुछ और हो सकती है। वैसे इस ट्रेलर को लेकर आपका व्यू जो भी हो बिंदास कमेंट में लिखो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो।